नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सादा सलवार की कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा कपड़ा है तो कपड़े को मैंने इस तरफ से चार फोल्ड करके अपनी तरफ रखा है, ठीक है। तो घड़ी हमारा इस तरफ से है तो हम इसके पहले सबसे पहले हम लंबाई समझ लेंगे, ठीक है। तो लंबाई में हम लंबाई हमारा 40 इंच का है तो 40 इंच में हम 7 इंच छोड़ेंगे, ठीक है। जब 7 इंच जो हम छोड़ते हैं वो हमारा बेल्ट होता है। तो जब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं तो 9 इंच करते हैं, तो जो हम फोल्ड करके नाड़ी के लिए सिलते हैं तो वो 2 इंच हमारा वहाँ पे ऐड हो जाता है, तो हमारा 7 इंच का बेल्ट तैयार होता है। तो यहाँ से हम लंबाई जो लेंगे तो 7 इंच छोड़ के लेंगे, तो हमारी लंबाई जो है 40 इंच की है। तो यहाँ से 7 इंच हम छोड़ेंगे और हमारा कितना आ रहा है, 40 इंच किधर आ रहा है उस पर हम देखेंगे। तो इस तरफ से हम देखेंगे 40 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम 40 इंच पे निशान लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एक 40 इंच का निशान लग चुका है। तो यहाँ पे हम 40 इंच पे निशान लगा दिए तो हमारी लंबाई हो गई। तो इसमें हम 3 इंच और मिलाएंगे, तो जो हम बॉटम बनाते हैं इसको फोल्ड करेंगे उसके लिए हम 3 इंच और लेंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे, ठीक है। तो बॉटम हमारा जो है 14 इंच का है, तो 14 इंच का फोल्ड होगा हमारा, हाफ करेंगे हम, हाफ हमारा 7 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 8 इंच लेंगे, 7 इंच हमारा बॉटम तैयार होगा, 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम एक बार इसको लाइन खींच देंगे, ये देखिए, ये हमारा जो है 8 इंच है। अब यहाँ पे भी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे, ये हमारा आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा फिटिंग है। तो यहाँ हमारा जो है 40 इंच आ रहा है लंबाई लेंथ में और हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो फोल्ड करेंगे जो हम बॉटम बनाते हैं उसके लिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा, 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगी, ठीक है। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम तो जो ये है, यहाँ से आपका फोल्ड में जितना भी कपड़ा आएगा आपको सब लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका प्लेट बनेगा, बहुत अच्छा चुन बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमको 8 इंच लेना है, ठीक है। तो यहाँ से 8 इंच देखेंगे हमारा कहाँ पे, 8 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसा निशान लगा देंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच लेंगे इस तरफ से, ये देखिए। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे इस तरफ से, यहाँ से हमने निशान लगा दिए। अब इसको हम ऐसा राउंड में शेप दे देंगे इस तरफ से, ये देखिए यहाँ से, तो ये हमारा शेप लग गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको शेप देंगे ऐसा रख, अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हम इसको शेप दे देंगे, ये हमने 8 इंच का लिए थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा फिटिंग है, यहाँ पे हम ऐसा ये नोच दे देंगे तो हमको मालूम पड़ेगा यहाँ तक हमको फोल्ड करना है, ठीक है। तो अब हम इसका बेल्ट निकालेंगे, तो ये देखिए इसमें हम बेल्ट निकालेंगे। तो हिप का हम नाप लेते हैं, तो हिप हमारा जैसे ऐसे में 42 इंच आता है, तो हम डबल कपड़ा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको 42 का हाफ 21 इंच आएगा, तो यहाँ पर हम 21 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। 21 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हमको 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो हम कितना लेंगे, 24 इंच लेंगे। तो यहाँ से हम 24 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरफ से, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने 24 इंच पे निशान लगा दिए, इसको हम सीधा कर देंगे, ये देखिए। तो इसका जो अब हम बेल्ट निकालते हैं तो यहाँ पे 9 इंच का निकालेंगे हम, तो यहाँ से हमारा 9 इंच कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से हम 9 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे, ये देखिए 2 इंच हमने एक्स्ट्रा निकाला है, ठीक है। 7 इंच पे हमारा बेल्ट तैयार होगा। अब इसको हम लाइन को सीधा करेंगे,
ये देखिए यहाँ, ये देखिए अब ये जो हमारा कपड़ा यहाँ पे कम पड़ रहा है तो इसको हम इसको ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए हमारा जब कपड़ा कम पड़ता है तो ये जो हमारा कट के निकलता है तो उसी पे हम एक कपड़ा ज्वाइंट करते हैं, तो इसको हम एक इंच ऐसा बढ़ा के इसके ऊपर रख रहे हैं, ये देखिए ऐसा है, तो ये हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको 9 इंच कहाँ पर आ रहा है वहाँ पर रखना है, ये देखिए 9 इंच यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इसको भी हम देखेंगे यहाँ से 9 इंच कहाँ पर है, और ये लाइन को हम सीधा कर देंगे, इसमें मिला देंगे ये लाइन में। तो आप देख रहे हैं तो ये लाइन में हमने यहाँ पे मिला दिए हैं, अब इसका हम कटिंग करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका कटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे, और आप देख रहे हैं ये जो हम सिलाई के लिए 1 इंच इसके ऊपर रख दिए हैं, इसी में हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए हमने इसको बेल्ट को कटिंग कर लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा इतना जॉइंट आया है। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे, और ये हमारा बेल्ट की कटिंग हो गई है 9 इंच की। तो ये देखिए हमने 9 इंच का बेल्ट निकाल रखे हैं, तो इसमें जो कपड़ा हमारा ये ऐसा यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे, ये देखिए यहाँ से हम पकड़ के यहाँ पे स्टिचिंग करके हमने स्टाइल लिए थे, इसको हम पलटी करके इसके ऊपर एक दाब सिलाई मार देंगे। ठीक है, तो ये हमारा भाग हो गया, ये भाग हो गया, और यहाँ पे हम नाड़ी के लिए बना लेंगे, तो हमने बेल्ट समझ लिए हैं। ठीक है, अब ये देखिए हम सलवार का, तो इसको तो हम आपको पहले ही समझा दिए थे, यहाँ पर हमने 8 इंच का लिए थे क्रॉच में, और यहाँ पर हमने 40 इंच, जैसे आपका जो भी नाप रहेगा, आपका 35 आ रहा है या 30 आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपको लंबाई लेना है। तो हमारा ये 40 इंच की लंबाई थी, तो 40 इंच की लंबाई हमारी यहाँ पे आई, तो यहाँ से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखे, किसके लिए, बॉटम के लिए, ये जो हम मोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका है, और आप भी कटिंग कर सकते हैं, आप कोई भी सलवार बनाइए इसी तरह बनेगा। ठीक है, आज हमने सीखा सलवार की कटिंग, तो वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, समझे सीखे सफल बने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।